Hey, hello everyone. I welcome to ArcGenesis and this is the next lecture in prominent building series. अभी तक हम लोगों ने एक वीडियो के थ्रू काफी बिल्डिंग देख चुके हैं विच वॉज फ्रॉम द एंशियंट. सो दिस टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट्स कि अभी ये कॉन्टिनेंट लेंगे उसके जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ना है विच ऑलवेज रिपीटेड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन. सो दिस लेक्चर पीडीएफ यू विल गेट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. And if you like this lecture series and all these things, so please like, comment, share, and don't forget to subscribe. All these things. So, what is the meaning of building? You can easily read about. This is the same PPT. And what is the meaning of prominent? Prominent means which is very important. That is very easily recognized. So, the prominent buildings. So, first of all, today we are starting from the Asia's main buildings. Asia के अंदर कौन-कौन सी building ऐसी हैं जो हमारे बार बार पूछी जाती हैं, which is very important in perspective of the architecture examination. Clear? So, first. ताजमहल एज वी नो इट इज वेरी फेमस बिल्डिंग और ऑलरेडी हम कवर कर भी चुके हैं फ्रॉम द एंशिएंट मेडिवल टाइम पीरियड. बट द आर्किटेक्ट वाज उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईशा. बोथ नेम यू मस्ट नो क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है और तो आपको एक चूज करना है उस्ताद अहमद लाहौरी एंड उस्ताद ईशा. ये कब बना था? इट वॉज 1632 AD बाई दी शाहजहां इन मेमोरी ऑफ मुमताज. मुमताज महल अंगकोर कंबोडिया. दिस द सेम थिंग लाइक इट. अंगकोर का मतलब होता है संस्कृत में सिटी, नगर, दैट इज सिटी. सो इट इज इन कंबोडिया, कैपिटल सिटी ऑफ द खमेर एम्पायर. आपको सिर्फ इतना ये फोटो रिपीट होगी एंड यू मस्ट नो कि ये कहाँ की है. अंगकोर कंबोडिया में है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. कंबोडिया की लोकेशन अगेन दिस वेरी वेरी इजी. इट इज लाइक अवर इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड जाते हैं तो उधर कंबोडिया. सो कंबोडिया में ये लोकेटेड है. नेक्स्ट थिंग इज बुर्ज खलीफा. इट इज द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन ऑन द अर्थ. सो द बुर्ज खलीफा नोन एज बुर्ज दुबई एंड प्रायर टू इज इनोग्रेशन इन 2010. इट इनोग्रेटेड इन 2010 एज ए स्काई स्क्रेपर इन दुबई. दुबई इट इज इन UAE. With a total height of 8 to 9, that is 8 meter. So you can easily say 830 meter. So if you see the from top point, it is around 830 meter. Height is very important. They can ask you in the examination. There is like a pole, 2 meter ka pole hai. Agar aap puri building ke baare mein baat karenge, it is like 828 meter. But if you're considering all these things, so it will 830 meters. It has been recognized as the world tallest structure and building in the world. सबसे जो ऊंची building है वो ये बुर्ज खलीफा है. नेक्स्ट थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द लोकेशन. दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज अवर इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान देन ईरान देन यू विल सी द यूएई. यूएई इट इज इन दुबई. द कैपिटल ऑफ यूएई इज दुबई. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. सो एमिरेट्स हैं, एमिरेट्स बोलते हैं लाइक जैसे इंडिया के अंदर प्रिंसल स्टेट हुआ करते थे लाइक राजे रजवाड़े टाइप. So you can compare this thing. There are 7 emirates. Next thing is Lotus Temple. Very, very important. It has been asked so many times in the question paper. So Faridpour Sabha was the architect of this Lotus Temple. Kahan par located hai? It is in Delhi. Next thing is Golden Pavilion. It is located in Kyoto. Kyoto kahan par hai? It is in Japan. सो किंग काकू जी काकू आइलैंड सेन काकू आइलैंड एंड ऑल दिस थिंग. आई थिंक अगर आप जापान की ज्योग्राफी जानते हैं तो देर आर सो मेनी आइलैंड लोकेटेड ओवर देयर. कैटो इज एन आइलैंड एंड होंगशो एंड सेन काकू. सो किंग काकू जी एट लाइक ऑफिशियल नेम वॉज रोकुनजी एज अ जैन बुद्धिस्ट टेम्पल इन क्योटो. सो एक जैन बुद्धिस्ट टेम्पल की टेक्निक होती है. इट इज अ टेक्निक फ्रॉम द जापान. तो उसी के थ्रू ये बनाया गया है. नाउ वन क्वेश्चन आई हैव सीन इन गेट एग्जामिनेशन दे आस्क डायरेक्टली व्हाट इज जैन गार्डन. ZEN जैन गार्डन टेक्निक. फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी हैव चार बाग. चार बाग इज वेरी इजी लाइक यू डिवाइड द लैंड इन द 4 पार्ट्स एंड इट लाइक 1 2 3 4 द चार बाग. सो अगेन जैन गार्डन इज रिलेटेड फ्रॉम द जापान. And it is like the concept of Zen garden originated in Japan. It is a way of life. एक तरीका है जीने का. It is associated with stress reducing. So like Buddhism is all about the meditation, like a scientific thing.
So it is like, and it is from Mahayana Buddhism. Mahayana Buddhism in Japan. So it is related for the stress reduction. It is supposed to evoke feeling of tranquility, calmness, and peace. It has mental as well as psychological health benefit. So there was an article I was reading. It's in Hindustan Times. So if you want, then I can share you the link. Zen garden use rock. रिमेंबर दिस पार्ट, ये किस तरह से गार्डन बनाए जाते थे, ये रॉक और पेवल और सैंड को यूज करके बनाए जाते थे, और ये देखने में ऐसा लगता था लाइक इट इज अ फ्लोइंग वाटर, जैसा पानी होता है. यू विल हियर यू कैन सी द इमेजेस. सो दे हैव जस्ट यूज्ड द ग्रेवल एंड ऑल दिस थिंग. इट इज लुकिंग लाइक अ मोमेंट इज देयर. इट इज नॉट वाटर, बट इट इज द फीलिंग ऑफ द वाटर इज प्रोवाइडेड बाय द रॉक्स, ग्रेवल, सैंड, कॉन्क्रीट एंड ऑल दिस थिंग. द स्विल पैटर्न गिविंग कंप्लीट लुक ऑफ अ जेन गार्डन. दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट एज दे हैव अ कामिंग इफेक्ट ऑफ द माइंड. इन ऑल्डर टाइम्स मॉन्क यूज्ड टू री रेक the pattern of the sand in presence of their mind. The act of raking can help to order peace in the wandering mind. So remember this part. Zen garden is very important. Again, National Assembly Building, Dhaka. Dhaka is the capital of Bangladesh. So it was in news in 2015. There was a land border agreement between India and Bangladesh. And always there are Tista water dispute is always there. Tista is a river जो इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है, और हमेशा कुछ कॉन्ट्रोवर्सी रहती है इस चीज के ऊपर. सो जातिया संसद भवन, या तो उसको वहाँ की जो पार्लियामेंट है, इट इज कॉल्ड जातिया संसद भवन, या उसको नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग बोली जाती है. इट इज द आर्किटेक्ट वॉज लुईस आइकॉन. सो ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस बिल्डिंग. Very important building, and you can see it is like they can directly ask you about this thing. So it is in like water body is there, and you can see directly. Even there is a very famous building of Louis Icahn in Ahmedabad. If you know the name, please write down in the comment section. One question for today. So Bangladesh ki location dekh lete hain. It is our India. It is our northeast. So yahan par Bangladesh. Okay, Bank of China Tower. So the Bank of China Tower abbreviated with BOC Tower, Bank B4C, the BOC Bank of China Tower is a skyscraper located in central Hong Kong. Hong Kong भी काफी न्यूज में है, आपको जानकारी होगी. इफ यू आर एक्चुअली वेरी गुड इन लाइक न्यूज रीडिंग न्यूज पेपर और लाइक थिंग ऑफ न्यूज डिबेट. सो वैसे न्यूज डिबेट तो इंडिया में नहीं होती है, लेकिन अगर आपको जानकारी होगी, हांगकॉन्ग के तो काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे. प्रोटेस्ट क्यों? बिकॉज दे हैव इट वॉज अ हांगकॉन्ग इज वॉज द टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, एंड दे गेव बैक टू द चाइना. एंड बट दे एंश्योर दैट 50 ईयर्स द डेमोक्रेसी शुड बी देयर, सो दे विल प्रोवाइड ऑटोनोमस रीजन. बट देर आर सो मेनी एक्ट प्रोवाइडेड बाई द चाइना, सो दे आर ट्राई टू रिड्यूस देयर ऑटोनोमी. सो एज वॉट दे आर डूइंग इन तिब्बत, इट्स अ डिफरेंट इशू. वी विल डिस्कस समवेयर एल्स. सो इट इज इन हांगकॉन्ग, लोकेटेड एट वन गार्डन रोड ऑन द हांगकॉन्ग रोड. सो आर्किटेक्ट वॉज आई एम पाई, एंड आई एम पाई वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ पेरिस लूवर्स, वेयर द मोनालिसा इज लोकेटेड, जहां पर मोनालिसा रखी हुई है. लूवर्स हैं और उसकी जो आर्किटेक्ट है आई एम पाई है. सो रिमेंबर दिस थिंग. सो बैंक ऑफ चाइना टावर जो है उसको भी, इसके भी आर्किटेक्ट आई एम पाई है. सो आई एम पाई आप देख सकते हैं. दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना. आई थिंक एवरी वन नोज अबाउट द वेयर इज चाइना. सो दिस इज हांगकॉन्ग, इट इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ चाइना. अगेन पेट्रोनास टावर, कोलालंपुर. सो पेट्रोनस टावर कहाँ पर है? इन द पेट्रोनस टावर ऑल्सो नाउन ऑज पेट्रोनस ट्विन टावर, क्योंकि ट्विन किसने बोला जाता है, लाइक इन सिमेट्री. सो वन एंड टू ट्विंस, हियर यू कैन सी द ट्विंस. और ट्विंस स्काईस्क्रेपर इन कोलालंपुर, इट इज मलेशिया. अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ द टॉल बिल्डिंग एंड अर्बन हैबिटेट ऑफिशियल डेफिनेशन रैंकिंग, दे वर, इट इज नॉट अ प्रेजेंटली बट ये था कभी, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड फ्रॉम 1998 टू 2014. 6 साल तक ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग का उसको एक खिताब मिला हुआ, एंटिल दे वॉज सप्रेस बाई दी टाइपाई 101. कुछ टाइम पीरियड के लिए ये रहा, 2000 आई थिंक 2009 के आसपास तक, एंड 2009 इट लाइक बुर्ज खलीफा. सो अगेन यू नो दी वेयर द लोकेशन इज, इट इज अवर इंडिया, म्यांमार, एंड यू गो इट इज लाइक मलेशिया, एंड मलेशिया इज द कुआलालंपुर, लोकेटेड ओवर देयर. रोको हाउसिंग जापान. सो टाटा एंडो वॉज द आर्किटेक्ट. Remember this name, the Roco housing, first, second, third, there was a different like of thing. Architect Tadao Endo was built in Kobe, Japan, 1981 to 1890.
three. So first was this, and second was this, and third was this, third phase. So no need to remember like what was the phases, but you must know ROFO housing was designed by the Tata and Hong Kong and Shanghai building. So HSBC, HSBC, Hong Kong Shanghai. So HSBC officially known as Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Here you can see the building. It's a wholly owned subsidiary of the HSBC, the largest bank of Hong Kong. ये हांगकांग की सबसे बड़ी बैंक है और जिसके आर्किटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर, वन ऑफ द वेल रेनाउंड आर्किटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर. चेक लैब कोक एयरपोर्ट, इट इज अगेन इन हांगकांग, सो इट इज ऑल्सो डिजाइन बाई दी नॉर्मन फॉस्टर. ये कौन से आइलैंड पर इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है? बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड एंड द आइलैंड नेम इज चेक लैब कोक. So the airport is also referred as Chek Tak Lok Airport, International Airport, or the same tradition. Heydar Aliyev Center, Baku. So where is Baku? Baku is the capital of, can you recall it? No. Azerbaijan, ki jo capital Baku hai. So the Heydar Aliyev Center is 500 square meter building. ये किसकी बनाई? बाकू, अजरबैजान. Yes, it is designed by the Iraqi British Zaha Hadid. और I think she was died some year back. I think 4 or 5 years has been there. So 4-5 साल पहले इनकी डेथ हुई है and the architect was Zaha Hadid between the. So here you can see. अजरबैजान की क्या देख लीजिए कहाँ पर है? It is our India. तो ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान पड़ेगा और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और आप जहां नहीं जाते हैं वहां पर, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू द अफगानिस्तान, देन ईरान, देन अजरबैजान. डू यू नो इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इंडिया शेयर बाउंड्री विद अफगानिस्तान. इफ यू सी देयर इज अ बाउंड्री, 130 किलोमीटर की बाउंड्री हम अफगानिस्तान से शेयर करते हैं ऑफिशियली, बट इन रियलिटी इट इज नो वेयर बिकॉज इट इज लाइज इन पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. ओके, फोरबिडन सिटी बीजिंग. द पैलेस म्यूजियम इज अ नेशनल म्यूजियम हाउस हाउस इन द फॉरबिडन सिटी एज अ कोर ऑफ बीजिंग चाइना. सो ये बीजिंग के अंदर है, बीजिंग चाइना. सो ये 925 में बनाई गई थी. सो आर्किटेक्ट को, क्योंकि इट वॉज अ सिटी और यहाँ पर अराउंड लाइक 72 हेक्टेयर के अंदर 980 बिल्डिंग्स हैं, अराउंड 1000 बिल्डिंग्स आर लोकेटेड और देयर, और 104 टू 100 1406 टू 1420 के बीच में 14 साल लगे. तो आर्किटेक्ट वॉज नॉट देयर बट दे कैन आस्क यू फॉरबिडन सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री और समवेयर. सो इट इज इन बीजिंग. सेंट मेरीज कैथेड्रल अगेन इट इज इन टोक्यो एंड द आर्किटेक्ट वॉज केंजो तेंगे. अजुमा हाउस ओसाका, ओसाका इट इज अगेन इन जापान. सो रो हाउस, रो मीन्स यू कैन सी द कॉन्क्रीट लाइक एक्सपोज कॉन्क्रीट इज योमसी, ऑल्सो नाउन एज अजुमा हाउस इज अ पर्सनल रेजिडेंस इन द सिमयोशी एंड ओसाका जापान. इट इज डिजाइन बाय द जापानीज आर्किटेक्ट टाटा एंडो इन इज अर्ली कैरियर. इन स्टार्टिंग इट वॉज डिजाइन बाई टाटा एंडो. अगेन फ्यू फूजी ब्रॉडकास्टिंग सेंटर टोक्यो. सो इट इज ऑल्सो इन टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान. सो केंजो टेंगो की बिल्डिंग है, केंजो टेंगे की बिल्डिंग. सो बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं. एंड हिरोशिमा पीस सेंटर, वाई हिरोशिमा? काफी सुना होता है ना, हिरोशिमा नागासाकी. सो इन वर्ल्ड वॉर 1945, 6 ऑफ मई हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया था, एंड 9 ऑफ मई 3 डेज लेटर नागासाकी. कैन यू रिकॉल व्हाट इज द नेम ऑफ बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया, उसका नाम क्या था उस बॉम्ब का, नागालैंड का, सॉरी नागासाकी का? यस, सो हिरोशिमा द बॉम्ब नेम वाज, इट वाज, या लिटिल बॉय द बॉम्ब नेम वाज लिटिल बॉय, और नागासाकी कर फैट मैन. सो दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू. कैन यू राइट डाउन द कमेंट सेक्शन हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब.
The name is O. Do you write down the comment section? Or just like O H one. Second question for today. Imperial Hotel Tokyo, FLW, Frank Lloyd Wright. इनकी बहुत फेमस बिल्डिंग है. फॉलिंग वाटर, वाटर बिल्डिंग इन यूएसए. सो इंपीरियल होटल टोक्यो, इट वॉज ऑल्सो डिजाइन बाई फ्रेंक लियोड राइट. नेक्स्ट थिंग इज हाजिया सोफिया इस्तानबुल. सो एज यू नो वॉट इज वाई इट वॉज एन न्यूज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज एन क्रिश्चियन चर्च, देन इट वॉज लेटर कन्वर्टेड टू द मॉस्क, एंड आफ्टर द फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर एंड वर्ल्ड वॉर वन 1920s, सो इट वॉज कन्वर्टेड एज अ म्यूजियम. बट वॉट हैपन, अर्दगन द लीडर ऑफ देर कैपिटल, लाइक द लीडर ऑफ इस्तानबुल, ही सेइंग दैट इट इज लाइक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, लाइक पॉलिटिकल एफिलिएशन इज अ लेफ्ट विंग टाइप. सो इट इज लाइक राइट विंग साइड टाइप, सॉरी, लाइक रिलेटेड फॉर द मुस्लिम कल्चर, प्रमोट द मुस्लिम कल्चर. सो ही सेइंग दैट कि अभी हाजी सोफिया को जो म्यूजियम था, इट विल बी ट्रीटेड एज अ मॉस्क. तो वहां पर नमाज वगैरह पढ़ना होगा इनको. सो अगेन हाजी सोफिया, सो दिस इज अ प्लान, दिस इज एलिवेशन सेक्शनल, एक्चुअली इट्स अ सेक्शन. सो हियर यू कैन सी दिस काइंड, और इट वाज इन न्यूज, हाजिया सोफिया टर्की टर्न्स आइकॉनिक इस्तानबुल म्यूजियम इनटू मॉस्क. सो रिमेंबर दिस स्पॉट. ओके, सुलीमेनी मॉस्क, इट इज इन इस्तानबुल एंड द आर्किटेक्ट वाज सिनान. सो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन रीड दिस इफ यू वांट टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन. अगेन, कैथेड्रल ऑफ सेंट बसील, इट इज इन रशिया. सो आई थिंक आपने देखा होगा बचपन में ऐसी फोटोज वगैरह इतनी सही सी. सो इट इज बार्मा एंड पॉस्निक वॉज द आर्किटेक्ट. सो इज अ कैथेड्रल ऑफ वेसिलरी द ब्लेस्ड, या फिर उसको बोला जाता है सेंट बसिल्स कैथेड्रल, इज अ चर्च इन रेड स्क्वायर ऑफ इन मॉस्को रशिया, दैट इज रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ कंट्री. ये कंट्री का एक सिंबल दिखाया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया, वी कंसिडर ताजमहल, कि ताज जहां पर इंडिया दिखाना होता है, सो वी पुट द इमेज ऑफ द ताजमहल. Although it is not true, it is not just Taj Mahal. Of course, Taj Mahal is one of the most amazing building I have ever seen. अगर आप ताजमहल के बारे में, if I start giving like a discussion, so it will be around half an hour discussion. It is so amazing building. जो जानकारी नहीं है इन लोगों के बारे में, but it is ताजमहल is an amazing building. But there are so many other beautiful things in India जो ताजमहल के टक्कर के भी हैं. ताजमहल की अगर आपको, if I give a normal fact, if you see the dome, it is a dome over this. There are the four minarets. Can you tell me what is the angle of this minaret? ये 90 डिग्री पर है, ये 90 ज्यादा है या 90 से कम है? So you have to tell me. It is like. So you have to tell me. It is like an Taj Mahal. It is a dome. So the minarets are there. The four minarets are there. So you tell me. At what angle they lies, like they are at exactly 90 degree or not? Again, library at Ephesus, that is in Turkey. Turkey capital, Istanbul, nahi, Antalya. So the library of Celsus is an ancient Roman building in Ephesus, that is Turkey. So again, Dome of Rock, Jerusalem. जेरूसलम कहां पर है? एनी आइडिया? ओके, डोम ऑफ रॉक. सो आप देख सकते हैं, देर आर सो मेनी रॉक्स आर देयर एंड देर इज अ वेरी फेमस डोम. जब भी कुछ पैलेस्टाइन इसराइल का इशू आता है, तो इसी की फोटो न्यूज में रहती है. सो द डोम ऑफ द रॉक इज एन इस्लामिक श्राइन लोकेटेड इन द टेम्पल माउंट इन द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम. इट वॉज इनिशियली कम्पलीटेड इन 691-92 सी एट द ऑर्डर ऑफ द हेमद खलीफा एंड ऑल दिस थिंग. ये हमें जरूरत नहीं है, बट इफ यू हैव इंटरेस्ट यू कैन रीड इट आफ्टर पॉजिंग द वीडियो. और लेट्स चेक द लोकेशन, इट इज इन इजराइल. सो इजराइल यहाँ पर है, काफी पता होगा, न्यूज में रहता है इजराइल एंड इंडिया फ्रेंडशिप. सो इट इज जेरूसलम इज देयर एंड पैलेस्टाइन इज देयर, देयर इज अ सिटी कॉल्ड लाइक जेरूसलम. व्हाई इट वाज इन न्यूज, ये 3 दिन पुराना आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का. इट इज लाइक यूएई इजराइल डील्स हैज ओपनड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. हुआ क्या है कि इट्स अ वेरी डिफरेंट, लाइक इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो इसराइल की जो एग्जिस्टेंस है, जो अरब कंट्रीज है लाइक सऊदी अरेबिया और यूएई, ओमान, ओमान, ऑल दिस थिंग, ये अच्छा नहीं समझते हैं. दे डू नॉट लाइक इसराइल.
सो दे हैव डिफरेंट लाइक इंडिया पाकिस्तान का भी समझ सकते हैं. बट वॉट हैपन्ड रिसेंटली, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट और इसराइल के बीच में डिप्लोमेटिक ट्रीटी साइन हुई है. सो दे आर स्टार्टिंग रिकोगनाइज इच अदर. सो इट इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट. और हमारे जो एस जयशंकर जी हैं उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी डील है, यूएई इसराइल डील हैज ओपन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. दैट्स वाई एम सेइंग द न्यूज़पेपर रीडिंग और दे लाइक यू कैन नॉट डेवलप जीके इन अ सिंगल डे, इट इज नॉट पॉसिबल. मैं आपको 100-150 फैक्ट दे सकता हूँ लेकिन एग्जाम में कुछ ही पूछा जा सकता है. सो वॉट मैटर्स फॉर यू, एटलीस्ट गिव सम टाइम पीरियड फॉर द न्यूज पेपर, नॉट ऑन द टीवी डिबेट्स एंड ऑल दिस थिंग. दे आर एक्चुअली पोल्यूटिंग, दे आर पोल्यूटिंग योर माइंड. सो अगेन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, आप देख सकते हैं. इसकी लोकेशन मैं नहीं बता रहा हूँ कहाँ पर है, आपको जानकारी होगी. नहीं देखी है तो पुराने वीडियो में जाकर देख लीजिए. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. इट्स एन यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल फॉर दिस पीडीएफ. एंड सी यू अगेन. और नेक्स्ट वीडियो आई थिंक आई विल अपलोड ऑन फेमस आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया. सो प्लीज रिमेंबर दिस वीडियो, ध्यान से देखना. 3-4 आर्किटेक्ट्स होंगे और उनके ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. और फॉर द आई आई टी जेई, एटलीस्ट आई एम गिविंग यू द मॉक टेस्ट लाइक दिस ऑन द टेलीग्राम चैनल.